नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। हरियाणा में रेवाड़ी के गांव बीकानेर टी पॉइंट के पास रेवाड़ी रोहतक हाईवे को करीब 20 घंटे जाम रखने के मामले में रेवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सदर थाना में 7 नामजद सहित करीब 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर बड़ा सवाल यह भी है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी लापता हुई नाबालिग लड़की का कोई सुराग पुलिस नहीं निकाल पाई है। बता दें कि सोमवार दोपहर के समय जिले के गांव निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि लिसाना गांव का एक युवक घर के सामने से ही नाबालिग लड़की को अगवा कर ले गया। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि इससे पहले भी कई लड़कियों का अपहरण हो चुका है। परिजनों का आरोप है कि सदर थाना में शिकायत देने पहुंचे तो कार्रवाई करने की बजाय घंटों बैठा कर रखा। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने सोमवार शाम 6 बजे हाईवे को जाम कर दिया था। इतना ही नहीं, हाईवे पर टेंट तक गाड़ दिए गए थे। ग्रामीण पूरी रात हाईवे पर डटे हुए थे। मंगलवार को जाम खोला गया था। करीब 20 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाम होने के चलते रेवाड़ी पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। अब पुलिस ने नेशनल हाईवे एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर नाबालिग लड़की की बरामदगी पुलिस कब करेगी? यदि सदर थाना पुलिस ने पहले संवेदनशीलता दिखाई होती तो शायद इस तरह के हालात न होते, ग्रामीणों को जाम न लगाना पड़ता, वहीं पुलिस को अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज न करना पड़ता। अब देखना होगा कि लड़की की बरामदगी कब तक हो पाती है, यह आने वाले समय में देखना होगा।